पद पर भुवनेश्वर मिश्रा 214 वोट पाकर के विजयी घोषित हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भीमसेन सक्सेना 265 वोट पाकर विजयी घोषित हुए हैं। मंत्री पद पर जगदीश सिंह 133 वोट पाकर के विजयी घोषित हुए हैं। बाकी प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। जनपद मिर्जापुर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अपने संगठन के हित के लिए और अपने संवर्ग के साथियों के हित के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के बीच बराबर समन्वय की स्थिति बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और हाँ, मुश्किल तो था क्योंकि बीच में मैं अस्वस्थ हो गया था, इसलिए मैं कुछ अपने साथियों के साथ समय कम दे पाया, इसलिए थोड़ा टफ था। वैसे मेरे साथी मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं और मैं अपने साथियों को उत्पीड़न के लिए बराबर संघर्षरत रहूंगा। मैं सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे इस पद के लायक समझे और हमारा चुनाव किए। मैं सभी साथियों के अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ये मैं पूरा कोशिश करूंगा और खासतौर पर नए साथियों को जो समस्याएं आ रही हैं फीडिंग से संबंधित और इससे अन्य समस्याएं जो तहसील स्तर पर हैं, मैं उसे पूरा बंद कराने की कोशिश करूंगा। अच्छी का चुनाव हुआ है उसमें श्री भुवनेश्वर मिश्रा जी जीते हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जीते श्री भीमसेन सक्सेना जी जीते हुए हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगी। और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर तनवीर सौकर जी हैं, वो जीते हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिला मंत्री के पद पर अवनीश पटेल जी जीते हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। कोषाध्यक्ष के पद पर श्री रमेश कुमार तिवारी जी जीते हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद है। और ऑडिटर के पद पे हमारे मणिहान से श्री विद्याशंकर जी जीते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इस खुशी के साथ बहुत खुश हूँ। बस आप सुख। थैंक यू। आप